एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस ये ब्लॉग था ऋषि के बर्थडे के दिन का, जिसमें सुबह हमने कुछ स्पेशल बनाया था। पुलाव, पनीर और नान, रोटी, पूरी सब कुछ बना था घर पे। और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी वो सब चीज़ बनाने की, और ऋषि पूरा क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी लो आएगी बिकॉज जो धूप का था ना रोशनी, वो पूरा कैमरे पे आ रहा था तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। बट जो कुछ भी था मैंने सोचा क्यों ना ऐड कर दूँ, एक एज अ मेमोरी सेव रहेगी, तो इसकी वजह से मैंने शेयर कर दिया। और ऋषि पूरा अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा था। और हाँ, इस दिन हम कुछ खास सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि सुबह हमने सब कुछ घर पे बनाया, बाद में दोपहर को हम कहीं चले गए थे तो हमको आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, जिसकी वजह से बाद में कुछ भी हो नहीं पाया। मतलब एक दिन पहले हमने केक वगैरह जो कट किया था वही था, बाद में फिर रात को लेट हुआ आए हम तो बट सब मना करने लगे, नहीं ऋषि बोला नहीं मामी हो गए, हमने सब सेलिब्रेट कर ही लिया, जो सब कुछ हुआ इतना सब आपने बनाया, सब खाया पिया इंजॉय किया, तो वही सब हो गया था। और यार घर पे जो बना के खिलाने की खुशी होती है ना, वो उसकी एक अलग ही बात होती है। और इस दिन मेरे साथ बहुत बड़ा बचका हुआ था, मेरा जो नान का आटा था ना डो काफ़ी गीला हो गया था, जिसकी वजह से मेरे से अच्छे से बन नहीं रहा था, तो मेरा मन काफ़ी दुखी हो रहा था। सच्ची बताऊँ मतलब जब भी कोई चीज़ आप परफेक्ट बनाना चाहते हो और किसी को खिलाना चाहते हो तो नहीं बनता आपके मन का ना, तो फिर बहुत चिढ़ होती है। मतलब गलती सच्ची देखा जाए तो मेरी ही थी, क्योंकि मैं ऐसे बातों में उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दी थी। और ये आटा मैं लगा रही थी पूरी के लिए और रोटी के लिए, क्योंकि पापा के लिए रोटी बनाना था और सबके लिए पूरी बनानी थी, थोड़ी पूरी और थोड़ा नान। मैंने सोचा हर एक चीज़ का टेस्ट ले मिलना चाहिए, जिसकी वजह से तो ये देखो यहाँ पे नान हमारा बन रहा था और आप देख सकते हो किस तरीके से फैला था। और ये नेक्स्ट डे का है, दीदी जा रही थी तो इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे मैं दीदी को लगा रही थी कलर। और दीदी काफ़ी इमोशनल थी और सच में बहुत ही बेकार लग रहा था इस बार, मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी जा रही थी तो बहुत अंदर से अजीब अजीब सा फील हो रहा था। और ये ऋषि रिकॉर्ड किया था ये चीज़ भी, तो आगे आप लोग वीडियो एंजॉय करो, आपको वीडियो कैसी लगती तो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो यहाँ पे दीदी हो रही थी रेडी, तो बाद में मैंने दीदी की साड़ी की पिन लगाई और इसके बाद थोड़ी देर बाद दीदी निकल गई थी। और जाते वक्त जो हाल होता है यार पूछो ही मत। थोड़ा सा मैंने बस क्लिप रिकॉर्ड किया था, बाकी मैं एकदम अच्छे से नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मैंने अपना तो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया था, बस मम्मी का, मैंने ऋषि का, मम्मी रो रही थी और मेरे से कंटिन्यू भी नहीं हो पाया, देखोगे अभी आप, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया, इसके बाद मैं तुरंत कैमरा बंद कर दी क्योंकि उस टाइम पर वो सब चीज़ें यार मतलब होता ही नहीं है, बट मैं एक मेमोरी के लिए वो चीज़ सेव करना था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा बस किया था, बाकी मेरे से नहीं किया गया। अभी आप वीडियो आगे देखोगे। Thank you.
एवरी वन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो गाइज़? आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी मैं मेरा काम करके फ्री हुई। मैं मतलब सुबह उठी थी, नहाई धोई और डुगू को रेडी करके स्कूल वगैरह भेजा। और हाँ, एक चीज़ पहले मैं आपको बता देती हूँ, बाद में आगे का अपना रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। आपको पता है ये दीदी जा चुकी हैं, और दीदी जिस दिन गई उसके नेक्स्ट डे मम्मी भी गाँव चली गई। तो मतलब इस टाइम हम अकेले हैं, बच्चे और मैं और पति देव। तो घर एकदम खाली हो गया है, दीदी गई। मतलब इस बारी दीदी से मतलब बच्चे लोग का भी हमारा भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया ना, पता नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिस दिन गई उसके दूसरे दिन तो आरने कितना रो रहा था, बहुत परेशान किया, बिकॉज आरने की भी एकदम आदत लग गई थी ऋषि की और उसकी बुआ की। तो हर एक बात पर वो बुआ बुआ याद कर रहा था और रो भी रहा था, बहुत परेशान किया। तो बहुत मिस कर रहे हैं हम इन दोनों को। और मम्मी भी चली गई तो और घर एकदम खाली हो गया, और डुगू की भी तबीयत ठीक नहीं, आड़ने की भी तबीयत ठीक नहीं। तो मैं सच्ची बताऊँ तो लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और आड़ने के पीछे तो कुछ ज़्यादा है, बिकॉज उसकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती, कुछ दिन पे कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो ही जाता है। और इस टाइम उसको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक बोलते दांत आ रहे हैं, पता नहीं दांत आ रहे कि नहीं, मुझे वो भी कुछ कन्फर्म नहीं। मैं दवा वगैरह दे रही हूँ उसको, पर देखते हैं कभी ठीक होता है। तो बस ऐसी कुछ लाइफ चल रही है। तो अब भी हाँ, मैं डुगू को रेडी की स्कूल गया और खाना पीना मैंने बना के रख दिया है। देखती हूँ अगर ये भी ऑफिस जाएगा वैसे ही जाएंगे तो ठीक, नहीं गए तो, क्योंकि आज दोपहर को चार बजे के बाद डुगू का सोनोग्राफी कराना है। तो ये रहेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। बस आने को थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो उसको लेके जाऊँगी। तो देखती हूँ क्या कैसे रहता है। तो अभी मैं थोड़ा हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि बस सुबह उठी ऐसे ही मुँह अभी धुल ली तो रेडी हो जाती हूँ, नहा धो ली थी, रेडी होकर फिर आपसे मिलती हूँ। क्या कैसे करती हूँ वो सब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत ही फटाफट से रेडी में। गाइस बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मतलब सिंपल सा मैंने लिपस्टिक लगाई, सिंदूर लगाई, काजल लगा लिया, बस सब कुछ भी नहीं। और नॉर्मली मैं जो क्रीम लगाती हूँ फेयर लवली और पॉन्स पाउडर, वही मैंने लगाया है। और मैंने घर को भी सब क्लीन कर दिया है, सिर्फ मेरा बेडरूम बाकी रह गया है, इधर डस्टिंग करना है और झाड़ू निकालना है। हॉल वगैरह सब मैंने साफ कर दिया। और आर्निक हॉल में सो रहा है, अभी मैं आपको ले चल के दिखाती हूँ। तो और इतना ज़्यादा सच्ची बताऊँ ना तो हर मतलब कुछ खा पी भी नहीं रहे, जैसे थोड़ा कुछ खिला रहे तुरंत वॉमिट कर दे रहा है। तो बहुत परेशानी हो गई है यार, सच में समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कुछ दिमाग नहीं चल रहा है। तो चलो आप लोग को दिखाती हूँ हॉल में पतिदेव क्या कर रहे हैं, और लाइट बंद कर दूँ आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे ये अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ काम था वो कर रहे हैं। और ये देखो आर्निक इधर सो रहा है, अभी जाके आया सुबह और इधर ही बैठे बैठे सो गया। तो अपने काम पे लगे हैं। और इधर कपड़े वगैरह मैं जो धुल ली थी इधर डाल दी, थोड़ा बहुत इधर डाल दी और थोड़े बहुत बाहर है। किचन में आपको दिखाती हूँ, खाना भी मैंने बना लिया है, क्या बनाई वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको दिखाती हूँ भाजी मैंने क्या बनाई। ये देखो गोभी आलू की सब्जी और चावल एंड रोटी। तो खाना वाना बन के किचन विचन साफ़ हो गया है, सब बर्तन भी धुल लिए। अब देखती हूँ कब तक लंच करेंगे। पानी पता नहीं क्यों ना बार बार आते रहता, अच्छा भर गया फिर से टाके, क्योंकि मैंने कपड़े धुले थे पानी खाली हो गया था। और आने के लिए इधर पपाया कट करके रखी हूँ, उठेगा तो उसको फिर खाने को दूँगी और इसको डालूँगी फ्रिज में, इतना एक्स्ट्रा है। अब जस्ट मैंने कट किया इसे। और इधर देखो हमारे ये वाले प्लांट में एक फूल खिला, इसे मैं तोड़ के माता रानी को चढ़ा देती हूँ, तो आप देख सकते हो। और लेके चलते हूँ मंदिर में, इसको मैं चढ़ा देती हूँ। और पतिदेव बात कर रहे थे इग्नोर करना। तो ये देखो ये फूल खिला है, मैं चढ़ा था। और हमने अपना मंदिर का ना डायरेक्शन चेंज कर दिया, वहाँ था तो यहाँ कर दिया। तो ये देखो ये है हमारा मंदिर, कैसा लग रहा है आप लोग बताना जरूर। चलो मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ ये फूल, सुबह पूजा हो गई थी बट ये फूल खिला था तो मैंने सोचा माता रानी को चढ़ा दूँ। जय माता रानी। ये देखो हमारे लड्डू गोपाल, और ये है हमारी माता रानी, और ये रहा हमारा मंदिर। पतिदेव का बात। और ये देखो मम्मी का बेडरूम अभी जो कि एकदम खाली खाली है, मम्मी रहती है तो भरा रहता है बट अभी कोई नहीं है तो खाली खाली है। ये हमारी जेठ जी, ये देखो आई थिंक कहीं पिकनिक वगैरह गए थे तब का है, तो यहाँ लगा दिया था हमने। और ये लोग का, और ये लाफिंग बेडरूम,
तो ये देखो, तब ये रूम बंद रहेगा और ये गद्दा हम डालते नीचे जब भी हम सोते हैं, एक जन ऊपर, क्योंकि तो दरवाज़ा बंद कर दो, फिर आपको बताती हूँ। गद्दा हमने रखा ना इसको, इसके लिए इधर रख देते हैं, क्योंकि रात में ना हम सब एक बेड पे नहीं आते, डुकू भी रहता है और हम भी, तो एक डाल देते नीचे, ये हमें कोई भी नीचे सो जाते हैं क्योंकि एक बेड पे नहीं आएंगे, तो इसके लिए फिर हम हटा देते हैं सुबह सुबह इसको। तो अभी पूरा रूम खाली है। डुगू बोल रहा था मम्मा अम्मा चली गई, तो ये मेरा स्टडी रूम हो गया, जो कि उसको सिर्फ बोलना है स्टडी रूम हो गया, बाकी मैं बोलती बेटा दोपहर को पढ़ाई इधर कर लो, बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ स्टडी रूम उसका है बस बोल के। तो बस यही सब कुछ है, चली गई, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो बस यहाँ पे देखो, मैंने अपने हेयर फॉर्म भी कर लिया और बाल भी बना लिया, और अब हो रहा है टाइम 10:30, 11 बजे, 11:30 बजे डुगू को भी लेने का टाइम हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं, वैसे भी बोर ही हो रहा है, अकेले अच्छा ही नहीं लग रहा है, और आडे की तबीयत भी नहीं ठीक है, इसलिए और भी नहीं अच्छा लग रहा है सच्ची पूछो तो। और मैंने इनको रोक के रखा है कि आपको वैसे ही नहीं जाना है, क्योंकि एक तो अकेले वैसे भी बोर हो रही हूँ, चलो एक बार अकेले का भी देख लेती, बट दोनों जन की तबीयत भी नहीं ठीक है, तो भाई मेरे से तो नहीं झेला जाएगा वो दोनों जन, उसके बाद ऊपर से तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से उनको ले जाके सोनोग्राफी कराना, ये सब तो रुकना तो पड़ेगा ही, तो रोक ली हूँ, देखती हूँ। बट ये बीच बीच में मुझे पिन करते रहते हैं, मैं जा रहा हूँ, तो मैं शांति से रहती, मैं कुछ नहीं बोलती, ठीक है आपकी इच्छा जैसा आपको करना है। अभी देखती हूँ, अगर रुक गए तो अच्छी बात है, बट मैंने भाई अपने से जितने खाना वाना बना दिया है, अगर उनको जाना भी रहा तो खा के जा सकते हैं, बट देखती हूँ ना जाना रहे तो अच्छा है। तो गाइस एक चीज़ और आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग पता नहीं क्यों वीडियोस देखते हो बट लाइक कमेंट भी नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो प्लीज़ यार एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, इससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अरे उठ गया, ये देखो आ गया, मैं बेबी भी उठ गया, बेबी की तबीयत नहीं ठीक है भाई, बेबी एकदम पतला होते जा रहा है, अच्छे एकदम, पता नहीं इसको क्या हो गया, तो अभी इसको नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो चिढ़ेगा ई ई करके और रहेगा। तो चलिए अभी थोड़ा इसको मैं देखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हाय करोगे? हेलो, हाय करो। हाय, अभी हम लोग थोड़ा कुछ खाएं। आर्निक नहा के आ गया, मैंने इसको नहलाया नहीं, गर्म पानी करके अच्छे से पोंछ दिया, इसके सर पे पानी नहीं डाला मैंने, क्योंकि इसको मुझे हल्का हल्का फीवर लग रहा है। ये देखो आर्निक अपना कपड़ा लेके बैठा है, आर्निक रेडी होने जा रहे हैं। आर्निक को क्या हुआ? आर्निक को कहाँ दर्द हो रहा है? अरे खोलो मत, सब लोग देख लेंगे। आर्निक को मुझे लगता है ना टीथ आ रहा है। आर्निक टीथ दिखाओ अपना, आर्निक अपना टंग दिखाओ, आर्निक अपनी आईज दिखाओ, आर्निक अपना नोज़ दिखाओ, नोज़ दिखाओ, अच्छा आर्निक अपनी फिंगर दिखाओ, आर्निक लेग दिखाओ, लेग आर्निक का हेयर का हेयर, वाह, क्लैप करो, नहीं करेगा अभी, ओके अब आपको रेडी कर दें, क्लैप कर रहे हो, रेडी कर दें, सबको बाय बोल दो। नहा धो के जैसे सब लोग पूजा करते, तो आके पहले मंदिर में बैठ गए और जय जय कर रहे हैं। आने क्या कर रहे हो? ये देखो ओम करो, देखो आके बैठ के मंदिर में पहले पूजा कर रहे हैं, नहा धो के, जैसे देखते हैं बच्चे बोलते हैं ना, जो चीज देखते हैं वही चीज सीखते हैं, तो ये देखो, चलो आर्निक जय करो, अब जय करो भगवान को, हो गए अब चलो, बट डर लगता है क्योंकि ये दिया छू देता है, चले आ जाओ फिर, चलो अभी नाश्ता करो, हाँ जय, देखो जय, बैठ के जय करो, तो ये देखो, देखिए आ जाओ अभी, आ जाओ बस, हो गया, चलो जय भगवान जी, हाँ मुझे भी दे दो, अच्छा दे दो मम्मा को आरती दे दो, जय भगवान जी। सो गाइस यहाँ पे उसके बाद हम लोग बैठ गए थे लंच करने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको बोला था ना
कि ये हमको ऐसे बीच बीच में पिन करते ही रहते हैं कि मुझे जाना है जाना है, और लास्ट लास्ट ये निकल ही गए थे वैसे ही के लिए। और मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड किया था, पता नहीं कैसे बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया। और इसमें आप देख रहे हो पीछे से बहुत धूप आ रही थी, बाद में मैंने नोटिस किया तो मैं कैमरा एंगल ठीक करने गई, तब तक मैंने वीडियो बंद ही कर दिया था। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जस्ट उसके बगल में बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिवा बाय, टेक केयर, सी यू सून।